तीन तरीके के फिगर आपके इसमें हैं, तो कौन कौन से हैं? दैट इज क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड एक ऐसा सॉलिड फिगर है, बात नहीं करो। सो इट इज सच ए सॉलिड फिगर विच हैज सिक्स फेसेस। सिक्स फेस हैं, जैसे एक फेस, दो फेस, तीन फेस और बाकी तीन पीछे की ओर है। तो इट हैज सिक्स फेसेस। और निखिल कितनी एजेस हैं इसमें? हाउ मेनी एजेस आर देयर बताइए। इट हैज, जैसा कि निखिल ने हम लोगों को बताया कि 12 एजेस हैं। कैसे 12 एजेस आपने बोली? 12 कैसे बोल दी? देखो निखिल ने कैसे बताई 12 है, जहां दो फेस मिलते हैं क्या वो एक एज है? तो एक एज, दूसरी, तीसरी या चौथी, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वॉट इज एज? बोलो। द, ठीक है, द लाइन वेयर टू प्लेन सरफेसेस मीट इज कॉल्ड एज। एंड वॉट इज अ वर्टेक्स? यस, वेयर थ्री प्लेन सरफेसेस मीट और थ्री एजेस मीट। जहां पे थ्री एज मीट करें उसे क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड इज ए सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज सिक्स फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स। रिपीट करो। बताई नहीं रही है, आप बोलो ज्योति। वर्टेक्स क्या है? निखिल, वेयर थ्री एजेस मीट्स, मीट्स और थ्री प्लेन सरफेसेस मीट्स, इसको ठीक है। सो क्यूबॉइड क्या चीज होगी बताइए? इट इज ज्योमेट्रिकल सॉलिड फिगर हैविंग सिक्स फेसेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टिसेस। वर्टेक्स होता है लेकिन प्लूरल इसका क्या हो जाता है? वर्टिसेस। व्हाट इज एज? एज जैसे ये एक एज है, टू फेसेस और लाइन वेयर टू फेसेस मीट। बिल्कुल सही। सो एज द लाइन, ठीक है, एट व्हिच टू प्लेन सरफेसेस या टू फेसेस, जहां दो फेस मिल जाए, मीट। And after, what does it mean by vertex? Sir, a point where three edges meet. At which three? देखो, three edges meet कर जाएं, meet. कितनी बात हो गई? अब cube के बारे में देखो. Cube क्या होता है पलक? Sir, it is a geometrical solid figure which has बोलो दिव्या, क्यूब क्या है? क्यूब इज ए क्यूबॉइड हूज ऑल थ्री डायमेंशंस आर सेम या इक्वल। क्यूब एक क्यूबॉइड ही है अगर क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो क्यूब में कितनी डायमेंशन छिपी हुई है? So, cuboid has three dimension. Cuboid में कितने dimension से बताओ? This is vertex. और इसे क्या कहा गया? Face. So, इतनी बात और लिख लीजिए कि cuboid has, cuboid में कितने dimensions हैं? Has three dimensions. कौन कौन सी हैं? Length, height, breadth and height. जबकि देवव्रत, व्हाट इज क्यूब? सर, क्यूब इज अ क्यूबॉइड हूज ऑल साइड्स आर सेम। बिल्कुल सही बात है। क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, स्पेशल केस ऑफ
boy whose all dimension, ये जैसा कि उन्होंने कहा कि sides are equal. Now, तो वो क्यूब कैसे होगा? इसमें भी वही सारी चीजें होंगी जैसा कि पलक ने बताया कि इसमें भी 6 फेसेस होंगे, 12 एजेस होंगी. और क्या इसकी 12 एजेस सारी इक्वल होंगी? अब सिलेंडर क्या होगा? नाउ हम लोगों ने क्यूबॉइड देख लिया है, क्यूब भी देख लिया, एंड नाउ वी विल सी सिलेंडर. सो दिस इज क्यूब. इसका सारा डायमेंशन इक्वल होता है. जो डाइस जैसे हम लोग लूडो खेलते हैं वो भी एक क्यूब ही तो है. और इसके अलावा दिस इज सिलेंडर. इस सिलेंडर में अगर मैं इसके सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर दूं या एक ड्रिल करके तार डाल दूं तो इसकी सिलेंड्रिकल एक्सिस होगी. एंड ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंड्रिकल एक्सिस से क्या इक्वल डिस्टेंस पर होंगे कि अलग अलग? मतलब सिलेंडर इज ए सॉलिड फिगर हुज ऑल पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस. जस्मिता रिपीट करो. एक लाइन में रिपीट कर, अभी अभी बोला है, इतनी देर में तो अभी हवा में एनर्जी उसकी है. जस्ट उसी को इक्विवोकेट कर दो. इट इज नाउ स्टिल रिवर्बरेटिंग इन एटमॉस्फेयर. तुमको सुनने ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. हाँ बोलो देवव्रत. क्यूब की बात ही नहीं हो रही है. अरे वाह. हाँ फिर आप भी रिपीट करो. बहुत अच्छा बताती हैं. सो सिलेंडर दो तरीके से बात आई. देवव्रत ने बताया, जैसा कि देवव्रत ने बताया तो जस्मिता ने भी बीच में हाँ बोला था, तो और उसमें भी इन्होंने हाँ कहा था. तो सिलेंडर इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. इन्होंने क्या बोला? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हुज ऑल पॉइंट्स आर सरफेस आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस. अब रिपीट करो. इक्वल नहीं, सुनो फिर से बोलो. जो इसके सभी पॉइंट्स होंगे इसकी एक्सिस से क्या वो सेम डिस्टेंस पे नहीं होंगे? ये देखो ये सिलेंडर है और ये बोलो ये क्या है, ये चीज क्या ये इसके सिलेंड्रिकल एक्सिस है? ये देखो. अच्छा ये वाला जो पॉइंट है क्या उसकी जो इससे डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस इसकी भी होगी? यही ये भी होगी, यही ये भी होगी, यही ये भी होगी, यही ये. क्या ये सारी डिस्टेंस सेम है? सो ऑल पॉइंट्स ऑन सरफेसेस आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एक्सिस. ठीक है. नाउ आप बताएं दिव्यांशी, व्हाट इज द सिलेंडर? सिलेंड्रिकल एक्सिस. इस एक्सिस को क्या कहा जाता है? सिलेंड्रिकल एक्सिस. सो सिलेंडर इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर whose all points are at same distance. कौन से points on surface are at same distance from cylindrical axis. Now, what does it mean by lateral surface? So, lateral surface. ठीक है. Now, इसका मतलब है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल. Lateral surface. What is lateral surface, Ayushi? ये तीन डायग्राम, तीन हमारे पास सॉलिड फिगर है.
ये सभी सॉलिड फिगर्स आर दोज विच ऑक्यूपाइज स्पेस. ऐसा होता है कि प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, विच हैज एरिया ओनली, जैसे सर्कल हो गया, रॉम्बस हो गया, क्या उनका कोई वॉल्यूम होता है क्या? लेकिन जो सॉलिड फिगर हैं इनका वॉल्यूम भी होता है, ये जगह भी घेरते हैं. एक डिब्बे में रखोगे तो एक टाइम पे डिब्बा भर जाएगा. सो व्हाट डज इट मीन बाय लेटरल सरफेस मयंक? सर एरिया इन द शेप व्हिच वी कैन नॉट एबल टू सी फ्रॉम द टॉप. यस द सर, तो बहुत अच्छी बात बताई है. कह रहे हैं कि द सरफेस व्हिच इज नॉट विजिबल इफ सीन फ्रॉम टॉप और बॉटम. तो अगर रखा जाए तो जरा ये क्यूबॉइड रखा है ऊपर से देखो, क्या आप इसका देख पा रही हो? तो कौन कौन सा सरफेस है जो तुम नहीं देख पा रही हो? सर टच करके बताओ जरा. सर ये दोनों ऊपर से देख रहे हैं, बॉटम भी नहीं, तो वो बोल देना फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. द सरफेस व्हिच इज नॉट विजिबल व्यूड फ्रॉम टॉप और व्यूड फ्रॉम बॉटम, तो कौन सा लेटरल सरफेस है? ये सब हुआ कि नहीं? ये और ये, इस लेटरल सरफेस को कहते हैं पीठ. तो हम जब आपको देख रहे हैं तो क्या आपकी पीठ देख पा रहे हैं? दैट इज डॉर्सल, दिस इज वेंट्रल, विच इज विजिबल टू अस, उसको कहते हैं वेंट्रल बायोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे. और जो पीछे की चीज है पीठ, उसको क्या कहेंगे? डॉर्सल. और वही सॉलिड फिगर में उसे लेटरल सरफेस कहेंगे. जस्मिता व्हाट इज लेटरल सरफेस? टॉप एंड बॉटम. क्या आप मुझे इसमें बता सकेंगे कि लेटरल सरफेस कौन कौन सी? बताओ सारी. अच्छा, इसमें बता सकेंगे लेटरल सरफेस कौन कौन सी, कहाँ है, कौन सी बताओ? क्योंकि ऊपर से देखोगी, देखो दिख रही है, देखो दिख रही है क्या ऊपर से? देखो बिल्कुल ये चीज दिखेगी पूरी. लेटरल सरफेस क्या होता है बताइए? द सरफेस विच इज नॉट विजिबल, जो विजिबल ना हो, फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. तो अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है और ये क्यूब है और साथ में एक सिलेंडर है. तो हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि इसकी लेटरल सरफेस क्या है? आप इसको ऊपर से देखें और साथ ही में इसको नीचे से भी देखें. सो वॉट एवर इज नॉट विजिबल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, तो इसमें भी यही काम करें. अगर मैं इसको ऊपर से देखूं और साथ में नीचे से देखूं तो क्या चीज हमें नहीं दिखाई पड़ रही है? So these surfaces we cannot see. और इसमें ये वाली इसको नहीं देख पाएंगे और ये देख पाएंगे, तो जो नहीं दिखाई पड़े. इसी तरीके से यहाँ से भी देखो आप और यहाँ से भी देखो, तो ये और ये दिखाई पड़ेगी लेकिन क्या चीज नहीं दिखाई पड़ेगी? तो ये सब नहीं दिखाई पड़ेगी ना, और ये पीछे वाली और सामने वाली, तो लेटरल सरफेस हो गई. ये सब क्या हो गई? These are lateral surface. That is प्रस्थीय क्षेत्रफल. इसका प्रस्थ है, पीठ है ना. अब जरा देखो संस्कृत में इसे प्रस्थ कहेंगे. और now अब हम देखेंगे व्हाट डज इट मीन बाय सॉलिड फिगर एंड व्हाट डज इट मीन बाय प्लेन फिगर. दो अलग अलग डेफिनेशंस. सर जो लैटरल सरफेस एरिया होता है उसका मतलब ये नहीं होता कि इसकी ऊपर और नीचे को डालेंगे तो जो हॉलो होता है. हॉलो हो या सॉलिड हो, हमारे पास सॉलिड फिगर है तो हॉलो हो या सॉलिड हो फिर जो ये बचेगा तो वो इसका क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया. क्या आप मुझे बता सकेंगी अदिति कि ये एक कोन है, तो कोन में इसकी लेटरल सरफेस कहाँ है? जरा आप मुझे टच करके बताओ. जैसा कि अदिति ने हम सबको बताया, आप भी दिव्या बताइए इसमें लेटरल सरफेस कहाँ है? यही चीज है. तो जो चीज ऊपर या नीचे से हमको ना दिखाई दे, इसमें हम ऊपर और नीचे से देखेंगे तो हमको पूरा कोन दिखाई पड़ जाएगा. तो इसलिए इस
इस कोन में कोई लेटरल सरफेस नहीं है। ये तीन फिगर ऐसे हैं जिनमें कोई लेटरल सरफेस नहीं होती। कौन कौन से? जैसे कि ये देखो, इसमें सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से देखोगे तो आधा स्फीयर, और बाकी नीचे से देखोगे तो बाकी आधा स्फीयर। और इस हेमी स्फीयर को देखो, इसमें ऊपर से आधा स्फीयर और नीचे से देखोगे तो बाकी। तो ये इन तीनों का ग्रुप अलग है और उन तीनों का ग्रुप अलग है। उन तीनों में लेटरल सरफेस है और इन तीनों में हेमी स्फीयर, स्फीयर और कोन में लेटरल सरफेस नहीं है। इसी बात को अदिति भी पुष्ट कर रही है। तो अब हम आगे चलते हैं। माँ ऊपर, मतलब आप नीचे और ऊपर से देखो और फिर भी जो चीज ना दिखाई दे उसको हम क्या कहेंगे बताओ? लेटरल सरफेस। समझ में आ गई? तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। देखो हमने इसको ऊपर से भी देखा और नीचे से भी देखा, और फिर भी नहीं दिखाई पड़ा तो उसे क्या कहेंगे? दैट इज लेटरल सरफेस। नाउ दिव्या, व्हाट डज इट मीन बाय सॉलिड फिगर? बोलो, देख लो, दैट इज, जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। सो ज्योमेट्रिकल फिगर एक होता है वन डायमेंशन, एक होता है टू डायमेंशन, और एक क्या होता है? थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में क्या आएगा? एक लाइन आ जाएगा, इसको सिर्फ इसमें लेंथ होती है। इट कंटेन्स, इट हैज लेंथ। और टू डायमेंशन में क्या आएगा? टू डायमेंशन, तो टू डायमेंशन इट इज प्लेन फिगर। इसे क्या कहेंगे? प्लेन फिगर कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर। और जबकि इसमें क्या होगा? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर। तो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। सो इट इज सॉलिड फिगर। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड फिगर विच हैज सरफेस एरिया। उसमें एक सरफेस होगा, और अगर मैं उस सरफेस को पेंट करने लग जाऊं, जैसे ये येलो पेंट है तो इसको पेंट करने में कुछ एरिया लग रहा है, उसको इसका क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। या इस पर पेपर चिपकाओ तो भी सरफेस लगेगा। तो विच हैज सरफेस एरिया, सेंटेंस कंप्लीट करो एंड वॉल्यूम। देर में करती हो सेंटेंस कंप्लीट। एरिया एंड वॉल्यूम, आद्या इस सेंटेंस को पूरा करो। इट हैज, इसमें क्या होगा? यस, एरिया ओनली। नाउ अब आप बताइए अर्पित, कोई मुझे चार प्लेन फिगर के नाम बताओ। और हेमिस्फीयर सॉलिड फिगर, उनके नाम मत लो, ये सब सॉलिड है, वो मेंसुरेशन में आ जाएगा। प्लेन फिगर का नाम बताओ। आप वो बोलो, आप बोलो। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रेपेजियम, रॉम्बस, ये सब चीज हो गई, पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑक्टागन, हेक्सागन, ये सब किसमें आएंगे? हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब क्या आपके पेपर में ड्रॉ किए जा सकते हैं? और एक पेपर में शायद जितने हेक्सागन बना लो, हजार बना लो, उसी पे फिर बनाओ, बनाते रहो बनाते रहो, क्या कोई जगह तुम्हारे कमरे की भर रही है? सो ऑक्टागन, हेक्सागन, पेंटागन। जबकि इस तरीके का डायग्राम जो थ्री डायमेंशनल होते हैं, पलक, उनके कुछ के नाम बताओ। सिक्स नाम बताइए। क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन एंड हेमिस्फीयर। बात समझ आ गई? तो तीन तो हम लोगों ने देख लिए थे, जो ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड में ये लेंथ कही जाएगी जो सबसे बड़ी है, इसको क्या कहेंगे? ब्रेथ। और ये क्या कही जाएगी? इस कमरे में ये क्यूबॉइडल शेप का है, आधा इस कमरे की लेंथ कहाँ है?
जो सबसे बड़ी है वो लेंथ। फिर ब्रेथ कहाँ है? ये ब्रेथ हो गई और ये जैसे ये इस कमरे में आपने बताया, मान लो ये कमरा ही है, ये क्या दिया गया है? कमरा। तो लेंथ, तो हाइट कहाँ है? अच्छी बात है। अब मुझे बताइए इस कमरे की लेटरल सरफेसेस कौन कौन सी है? इस लेटरल सरफेस का एरिया बताओ। हमें नहीं पता, हम तो आपसे हम कहा एल और एच। तो ये जो मैं पीछे वाले जैसे मान लो अलग अलग इसमें हैं, तो मैंने आपसे क्या पूछा कि भाई इस वाले का बताओ इस वाले का, तो आपने क्या बताया इस वाले का एल, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ना। तो इसका जो है अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में भी ये देख लो ऐसे होगा। तो क्यूबॉइड में एक एक्सिस ऐसे ले लो आगे से पीछे तक, तो जो आगे वाला होगा वो इधर निकल के आ जाएगा और पीछे वाला भी पीछे कट कर लो तो वो पीछे निकल के आ जाएगा। तो ये आपने एल एच बताया ना, क्योंकि ये एल है और ये एच है, ये एल एच हो गया। अब इधर आ जाओ तो इधर एक साइड हो गई और इधर पीछे आ जाइए तो क्या पीछे भी ऐसे ही एक साइड हो गई। तो अब दिव्या इसका भी तो कुछ बताओ भाई, ये एच है ये बी है, तो मैं इसका एरिया क्या मानूं? तो बी एच और इसका तो आप क्या मुझे अदिति बताएंगी कि इसमें ये जो चारों हमने सरफेस अभी तो ऊपर की भी निकालनी है, ऊपर और नीचे, लेकिन अभी हमने नहीं निकाली है, क्या आप मुझे बताएंगी कि इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना है? सर आंसर होगा 2 LH + BH + LB LH। अच्छा, नाउ लक्षिता आप बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया। सर 2 BH + LH + LB। ठीक है, ज्योति आप बताइए इसका लेटरल सरफेस एरिया। 2 LH + BH + LB। हाँ सर 2 H + LB। बिल्कुल सर, क्योंकि ऊपर नीचे वाला तो हमें दिख ही जाता है, वो लेटरल कहाँ है, वो थोड़ी ना लेटरल होगा, सिर्फ यही चार लेटरल है। जबकि ये लोग एलबी एलबी को भी जोड़ रहे हैं, एलबी को नहीं जोड़ना है, ये देखो ऊपर ऊपर वाला भी नहीं जोड़ना है और नीचे वाला जोड़ना है। तो जब हम कहेंगे ऊपर में एल इंटू बी, इसका कितना हुआ और ये भी क्या हुआ एलबी, तो एलबी छोड़ दो क्योंकि जो विजिबल है उसको थोड़ी ना लेटरल कहेंगे। क्या ये जो हमारे लिए विजिबल है, क्या तुम इसे पीठ कहोगी मेरी? ये पीठ नहीं है, पीठ तो जो नहीं विजिबल है, हमने पृष्ठ लिख दिया कि नहीं, सो विच इज नॉट विजिबल दैट इज पृष्ठ, उसे ही तो पीठ कहेंगे। तो इस तरीके से नाउ जस्मिता लेटरल सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का ऑफ क्यूबॉइड, बोलिए देव। हाँ बोलो टू, देखो दो बी एच हो गए और दो एल एच हो गए। अच्छा तुम ये बताओ अदिति, ये जो दीवार है इसका एरिया बताओ। आप बता ही नहीं रही, आप इसको लेंथ मान रही, जबकि इतनी बड़ी लेंथ आपको दिखाई नहीं पड़ रही। इसका तो क्या हुआ इसका एरिया? क्यूबॉइड नहीं, स्मॉल का बी एच हुआ। पीछे वाले का क्या हुआ? ये वाला क्या हुआ? ये हो जाएगा LH। ये क्या होगा? ये हो जाएगा LH। दोनों को जोड़ो 2 LH। इसको भी जोड़ो 2 BH। अब चारों को जोड़ दो 2 H कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में फिर L+B। करेक्ट है। नाउ जैसा इन्होंने बताया 2 LH और 2 BH, सो अब जैसा इन्होंने बताया है ऐसा बाकी आप लोगों को भी अब पढ़ना पड़ेगा, यही अब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सही बात बताई है कि यही सब इसकी लेटरल सरफेसेस हैं। अब अगर मैं ऊपर और नीचे को भी इसको काउंट कर दूं, इंक्लूड कर दूं दिव्यांशी, तो अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर ऊपर और नीचे का जरा सम करो, ऊपर वाले का एरिया बताओ नीचे वाले का बताओ। तो अब मैं सबका करूँ तो इन दोनों का क्या बताया? तो 2 BH। इन दोनों का इन दोनों का तो टोटल कितना हो गया बताओ? टोटल टोटल
surface area that is 2LH plus 2BH और प्लस 2LB ठीक है. तो 2 अगर कॉमन ले लिया तो LH BH प्लस LB सो इट इज TSA. इसको कहते हैं TSA. इसे क्या कहेंगे? अच्छा अब हमें ये बता दो कि इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा. तो ना वैसे ये जो LBH आपने निकाला है ये किस फार्मूले से निकाला है? सर इसकी लेंथ और ब्रेथ का राइट मल्टीप्लाई करती है. बताओ मयंक को बताएं कौन सा फार्मूला लगाया इसका वॉल्यूम बताओ. बेस एरिया इंटू हाइट जिसमें LSA होता है उसमें वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? बेस एरिया इंटू हाइट. तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज बेस एरिया और इंटू हाइट. जैसे हमारे पास ये एक क्यूबॉइड है मान लो ये रूम है तो इसके इसका बेस भी कुछ ना कुछ होगा जबकि ये एल है ये बी है और ये एच है. तो जस्मिता इसका बेस कितना होगा इस कमरे का? ये थोड़ा शाई नेचर की है. हाँ अर्पिता सॉरी अर्पित एल बी और हाइट कितनी है? ऐसे तो ए बेस एरिया कितना बताया और इनटू सही है. तो बेस एरिया एल बी हुआ कि नहीं हुआ और हाइट का मल्टीप्लाई कर. अच्छा मान लो मैं आपका इसमें लेटरल सरफेस एरिया पूछूं ये इसमें वॉल्यूम पूछूं तो बेस एरिया इनटू हाइट कर देना. बताओ इस सर्कल का एरिया कितना हुआ और उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करो. तुम तो सब जानती हो. इसमें बताओ इसका बेस एरिया बताओ अगर ए इसकी एक साइड है तो a स्क्वायर और फिर उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करो a का और तो a क्यूब हो जाएगा क्योंकि साइड साइड इक्वल होता है. तो अगर इतना जानती हो तो इसकी एक साइड का एरिया बताओ a स्क्वायर. तो लेटरल सरफेस एरिया बताओ चार साइड का 4a स्क्वायर और ऊपर नीचे वाला भी जोड़ दो 6a स्क्वायर. इसका क्या हुआ लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ 4a स्क्वायर और इसका वॉल्यूम क्या हुआ साइड क्यूब. हर चीज जानती है. अब ये बताओ इस केस में जैसे ये हमारे पास है ठीक है तो इस केस में इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हुआ? टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम ठीक है ना. अब देख लो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में नीचे क्या लिख दिया बेस एरिया क्या एलबी है और हाइट कितनी है. ये बेस एरिया बताओ एलबी हुआ कि नहीं क्योंकि ये लेंथ हुई और ये क्या हुआ तो हाइट से मल्टीप्लाई तो एलबी एच हो गया. अब इसी तरीके से ये तो हमारे पास क्यूबॉइड के तीन चीज हो गई. क्यूबॉइड का एल एस ए हो गया टी एस ए हो गया और वॉल्यूम एल एस ए टू एच L प्लस बी और टी एस ए क्या हुआ एल बी एल एच प्लस बी एच और वॉल्यूम भी बता दीजिए एल बी एच. अब क्यूब लेते हैं नाउ सो क्यूब क्यूब का मानसी अभी अभी इनका क्या नाम हाँ अदिति ने क्या बताया हमें आप पहले से बता दें 4a स्क्वायर तो टी ऐसे बता दें ठीक है उनको बताने दो और इसी तरीके से इसका वॉल्यूम बता नहीं रही बोलो a क्यूब बोला करो a क्यूब. अब हमारे पास आती है बारी सिलेंडर की. देखो ये सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर में मैंने इसको ऐसे कर दिया है अभी ये बना नहीं है ये मैं पेपर इसका रैप कर रहा हूँ बस. ये देखो
तो मान लीजिए कि अगर मैंने इससे एक सिलेंडर बना लिया, ये देखिए इससे मैंने क्या बना लिया है, सिलेंडर। तो हम इसको चाहे तो खोल भी सकते हैं। तो अगर हम इसको खोल देंगे और ये इसका रेडियस है सिलेंडर का, तो बोलो इसकी टोटल आउटर लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस। सिर्फ ये सर्कमफ्रेंस, इसको मैंने खोल दिया, जैसे शेफ की टोपी है और शेफ की कैप है, हमने इसको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दो और फिर ओपन कर दो, ये शेफ है। तो शेफ की ये टोपी हो गई और मैं इसी को कट कर दूं, तो कट करने के बाद ये खुल गया। तो जो इसकी 2πr थी अभी वो क्या बन गई है, इसकी लेंथ बन गई। तो इसे अब 2πr लिखें, और जो इसकी हाइट थी, तो अब इसका एरिया बताओ जो कि लेटरल सरफेस हुआ करता था, ऊपर और नीचे से देखने पे नहीं दिखता था, 2πr। क्या आप मुझे बताएंगे इस सिलेंडर का प्लेन सरफेस एरिया कितना है? बोलो हर चीज तुम जानती हो, और टोटल सरफेस एरिया भी बताओ। 2πr(h). इसका LSA क्या है? प्लेन सरफेस एरिया एक है πr स्क्वायर और एक भी है πr स्क्वायर, तो मिलकर कितना हुआ 2πr स्क्वायर, ये और 2πr(h) ये, बोलो बात सही है। अगर मैं ऊपर और नीचे देखूं तो क्या ये प्लेन सरफेस मानी जाएगी? तो ये πr स्क्वायर एक सर्कल का है जो नीचे भी ऐसे है। तो अब देखो यहाँ पर पहले तो LSA की वैल्यू लिख लो, 2πr(h) है कि नहीं, क्योंकि यही तो LSA है। LSA समझ में आ गया, 2πr(h). अब हम देखेंगे TSA, TSA में LSA भी जोड़ना और साथ में PSA भी जोड़ना। PSA का क्या मतलब होता है लक्षिता? टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या दो चीज जोड़ी जाएगी, LSA और प्लस PSA। अच्छा नाउ अर्पित, इसका LSA कितना है? 2πr(h) और PSA भी बताओ ऊपर नीचे का, इंटू टू नहीं करोगे, दो सरफेस है तो 2πr स्क्वायर दोनों को जोड़ दो, तो h प्लस r मैंने लिख दिया है, और आप चाहें तो 2πr और r प्लस, ये देखो 2πr और r प्लस। अच्छा ये बताओ इस सिलेंडर का वॉल्यूम, तो इसको भी लिखना बेस एरिया और इनटू हाइट। अच्छा इस सिलेंडर में बेस एरिया कितना है बताओ, तो बेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है, तो पाई आर स्क्वायर और इनटू, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, प्लेन सरफेस एरिया इसी भी चीज में PSA। तो क्या आप मुझे बताएंगी अदिति इसका PSA क्या है? सब तरफ प्लेन ही प्लेन है, जो TSA है वही PSA है, तो इसका PSA क्या है? PSA तो उसकी 6×6 साइड, तो बताओ कितना होगा सर ऊपर नीचे? हाँ तो जो फार्मूला बताइए इसका, TSA ही PSA है क्योंकि सब तो प्लेन ही सरफेस है, तो इसके PSA का क्या फार्मूला हुआ? ये तो पाई भी लगा देनी, आप बताओ पाई नहीं छोड़ रही है। हाँ बोलो ना, अभी कोई सर्कुलर थोड़ी है, नहीं पाई नहीं छोड़ना चाहती है, सोचती पाई पाई बचा के रुपया बन जाए, भाई पाई की तो बड़ी कीमत। इसका PSA बताओ, समझ में आ गई का, तो 6a² हो गया। नाउ अब जरा देखिए अदिति यहां आ जाइए, इसको फीड करो, चलो
ओके थैंक यू. नाउ यहां तक बात हो गई, आगे की बात देखो. पैरेललोग्राम को डिफाइन करो आज. सर इट इज अ टू डाइमेंशनल शेप. हाँ वैसे कटिंग की जरूरत नहीं है तो ठीक है, इट इज प्लेन फिगर है ना. yes. या ये भी कह सकती हो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. आगे बताओ. सर एक डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड वो सब आगे इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी डेफिनेशन बताओ. मानसी आप बताओ जिससे रिपीट कर सके. ध्यान से सुनना. So a quadrilateral whose both pair of opposite sides are parallel. Equal नहीं होता, equal property है. Definition है जिसके नाम पे parallel, parallelogram. So a quadrilateral whose both pair of opposite sides are एक चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं आपस में समानांतर हों उसको समानांतर चतुर्भुज कहते हैं. So a quadrilateral whose both pair of opposite sides. हाँ sentence पूरा करिए आयुषी. Are parallel. ठीक है. Now हेलो. हाँ जी. हाँ जी. अच्छा अच्छा 4:30 सिक्स ओ क्लॉक. तो नाउ पैरेललोग्राम. नाउ रेक्टेंगल. दिव्या बताइए. ऐसा नहीं होता है. रेक्टेंगल. हाँ ये बता सकती है. हाँ बोलो. मैं पैरेललोग्राम बाकी चीज प्रॉपर्टी में आ गई. पैरेललोग्राम विद वन एंगल जिसका वन एंगल क्या है इस राइट एंगल. नाउ पलक ये मुझे बताइए रॉम्बस अब पैरेललोग्राम हूज ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक है. ट्रेपेजियम अर्पित. प्रीतिका देवव्रत. हाँ निखिल. चलो बोलो. लक्षिता. सृष्टि. ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज. हाँ बोलो. सर क्वाड्रिलेटरल which two sides are equal. ऐसा नहीं होता. Two parallel sides are equal. नहीं अदिति. सर a quadrilateral which have one parallel side. नहीं. सर quadrilateral whose one pair of opposite sides are parallel. हाँ ये framing of sentence है. Sentence पूरा बनना चाहिए ना. A quadrilateral whose one pair of जो कॉपी दी गई उसमें पेरेंट्स का साइन करा लीजिएगा. वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. जैसे ये देखो ये ट्रेपेजियम हो गया. क्या इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल है. ये इसके पैरेलल है. और ये क्या हो गया रॉम्बस. क्या इसकी चारों साइड्स इक्वल है.
और ये क्या हो गया रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया rectangle. कहीं तुम अदिति ये तो नहीं समझ रही हो कि एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपीजियम भी है? पैरेललोग्राम ट्रेपीजियम है yes, तो क्या एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है? yes, sir. एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम है? rhombus, yes, sir. क्या स्क्वायर एक रोम्बस है? स्क्वायर एक रोम्बस है सर. क्या स्क्वायर एक रेक्टेंगल है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल है. ये छह पॉइंट्स बोल के दिखाइए. रोम्बस इज बिल्कुल सही बात कह रही हूँ. तो जैसा बता दिया कि that is parallelogram, rectangle, rhombus, trapezium. What does it mean by isosceles trapezium? Divyanshi. हाँ बताओ रिया. Yes. हाँ बोलो. हाँ बोलो अदिति. Isosceles trapezium. ये ठीक बता दिया आप. ट्रेपीजियम हूज नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल. देखो उसी को तेज बोला करो. ट्रेपीजियम हूज नॉन, अगर ये दोनों इक्वल हो जाए नॉन पैरेलल, जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो जाए आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. अच्छा अब मुझे बताइए मानसी व्हाट इज स्क्वायर? अब हाँ बोलो. सर अ रेक्टेंगल हूज ऑल साइड्स आर इक्वल और ए रोम्बस. अ रेक्टेंगल सही बात है हूज ऑल मान लीजिए दो तरीके के ट्रेपीजियम है, एक ये और एक ये, तो इस केस में इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गई और इसमें ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये आइसोसेलीस ट्रेपीजियम हुआ या नहीं हुआ जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो गए? इसमें है ये दोनों इक्वल नहीं ना? क्या यहाँ इक्वल है? हाँ तो नॉन पैरेलल साइड्स को क्या होना चाहिए बताओ? ये दोनों तो पैरेलल है, ये कभी इक्वल नहीं है, ये इक्वल हो जाए. अगर ए बी सी डी की मैं बात करूं तो बोलो ए बी को तो पैरेलल होना चाहिए डी सी के, लेकिन AD को भी साथ में किसके इक्वल होना चाहिए? तब ये जाकर आइसोसेलीस बन जाए. ये पैरेलल और ये इक्वल, ठीक है? Now define cylinder that is cuboid, cube, lateral surface, ठीक है? और edge. और इसी के साथ आपको एक चीज और बतानी है इसमें. सी एस ए, सी एस ए किसमें होता है बताओ जरा? तो सी एस ए इसी में बता लेना है. जो इसका एल एस ए होगा वही इसका क्या कर्व सरफेस एरिया भी होगा. देख लो तो ये बात समझ में आ गई. और अब इसके अलावा कुछ और चीजें बतानी है. दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ये चार चीज बतानी है. एरिया ऑफ रोम्बस, लक्षिता बताओ.
ये है रामबस, बताओ इसका एरिया। दिव्यांशी हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। चलो मुझे पहले जस्मिता से पूछना चाहिए था क्योंकि बहुत देर में ही मैंने हाथ उठाया था, लेकिन चलो पूछ लेंगे। हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू हुआ। यस सर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऐसे नहीं होता है, बोलो सर। क्या होती है, क्या तुम हाफ इंटू, जैसे ट्रेपेजियम का इन्होंने क्या बताया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इंटू डिस्टेंस बिटवीन। यदि ये एच है और ये ए और ये, बोलो बात समझ में आई। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यदि ये बेस है और ये क्या हुआ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। और बात समझ आ गई। तो ये कितना आप लोग कर रहे हैं, पांच मिनट के अंदर जमा कर देंगे आपको।